أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي पर बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स फिफ्थ क्लास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 2 से रिलेटेड जो आइडियाज हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एरिए और पेरीमीटर दोनों की डेफिनेशंस भी बता दी थी, ये दोनों क्या है। फिर मैंने ये भी बता दिया था दोनों के यूनिट्स क्या है, एरिया का मीटर स्क्वायर था और पेरीमीटर का मीटर था। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिर मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी दी थी। तो लिहाजा अगर किसी बच्चे को एरिया की जो डेफिनेशन है वो समझ नहीं हो तो वो मेरा जाके फर्स्ट लेक्चर सुने इस चैप्टर का। क्लियर हुआ? अब हम अपना काम शुरू करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर टू डायमेंशनल फिगर है, ऐसा ही है ना। इसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, होती है नहीं होती है। इसका मतलब कि दो रुखों में जगह घेरता है, ऐसा ही है। अब दो रुखों में एक स्क्वायर कितनी जगह घेरता है, दो रुखों में एक स्क्वायर कितनी जगह घेरता है वो असल में स्क्वायर का एरिया होता है। ये क्या होती है? स्पेस होती है, ऑक्युपाइड या कवर्ड इन टू डायमेंशंस। क्लियर हो गया? आगे चले। अब कहता है माय रूम इज स्क्वायर शेप्ड, मेरा रूम जो है उसकी शक्ल किस तरह की है, स्क्वायर जैसी उसकी शक्ल है, उसकी लेंथ और विड्थ सेम है, मतलब उसकी चारों जो दीवारें हैं उनकी लेंथ क्या है, सेम। हाउ कैन आई फाइंड इट्स एरिया, मैं उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ये जो फर्श है ना, देख रहे हो सारे जिस पर बैठे हम लोग, अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम किसी को। क्लियर हो गया? स्टार्ट करें। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो स्क्वायर होता है ना इसका एरिया, अगर इस साइड की लेंथ एल है तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगी। जो एरिया होता है वो दो कंसेक्यूटिव साइड्स की मल्टीप्लीकेशन के बाद मिलता है। इन दोनों साइड्स को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस। सो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, एल मल्टीप्लाई एल। अब जो रूम की एक 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 साइड की जो लेंथ आपको दी है वो कितनी है, 11 मीटर्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा? दिस इज 11 मीटर्स, बाकी भी क्या होंगी, 11 मीटर्स। हम करेंगे क्या, यहाँ पे भी 11 लिखेंगे और यहाँ पे भी 11, 11 द 121, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर है और इधर भी क्या, मीटर दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब कोई चीज रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम कहते हैं बेस। हम एक्स लिखेंगे और उसके टॉप राइट साइड पे हम 3 डाल देंगे। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मीटर दो दफा हो रहा था, हमने उसकी पावर में कितना डाल दिया, 2 डाल दिया, और यही यूनिट है इसका। ये आपका आंसर आ गया, प्रॉब्लम किसी को? समझ आया नहीं? तो भाई यही आप, अब यही अब आपसे ये कहेंगे यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद द लेंथ। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कर दिया उन्होंने, इफ यू डिनोट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर बाय एल देन एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ वन साइड लेंथ ऑफ अदर साइड। समझ आ गया? और जो एक साइड की लेंथ है वो क्या, 11, बाकी वो भी 11 है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 121 मीटर स्क्वायर, प्रॉब्लम किसी को। एज द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द लेंथ आर बीइंग मल्टीप्लाइड, आर या ये कह दो कि मल्टीप्लाइंग, सो यूनिट ऑफ एरिया विल बी स्क्वायर। देखो मैंने भी आपको ऊपर बताया था, ये भी क्या था, 11 मीटर था ना,
और ये भी कहा था 11 मीटर, तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर की पावर 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो देयरफॉर यहां पर ये मीटर स्क्वायर का बता रहे हैं आपको। ए स्क्वायर मिरर, और शीशा देखा कभी सुबह आते हुए? सब देख के आते हो ना? तो ये मिरर उस आईने को कहते हैं जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं। ए स्क्वायर मिरर, एक मिरर है उसकी जो शेप है वो किस फॉर्म की है? स्क्वायर की फॉर्म की है। हैज ए लेंथ ऑफ 42 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? तो मुश्किल काम है। अब उन्होंने आपको लेंथ दे दी है, दे दी है ना लेंथ, लेंथ ऑफ वन साइड, तो एरिया आपको पता किसके बराबर आ जाएगा? एल इंटू एल के, ऐसा ही है, एल मल्टीप्लाई एल के, ये भी 42, ये भी 42, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, समझ आया? और 42 को 42 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते? तो ये आंसर आ जाएगा, लिहाजा उसका एरिया भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड पोर्शन इन द गिवन फिगर। क्या कहा जा रहा है? ये शक्ल आपको नीचे नजर आ रही है, ठीक है, कलर्ड पोर्शन का आपने क्या करना है? एरिया फाइंड करना है, इस जगह का, सुन रहे हो, इस जगह का। कैसे करोगे बताओ जरा, बताऊं? अरे भाई बताऊं? सुनो फिर, कुछ इस तरह की शक्ल बनी हुई है आपकी, नहीं सुन रहे हो? हाँ, वो जो बुक पे बनी हुई है, और ये समझो कि आपकी बना रहा हूं, नहीं आपकी नहीं बना रहा, बुरा नहीं मानना। क्या लेंथ दे दी है एक शर्ट की? 11 सेंटीमीटर, ऐसा ही है, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये कितना? 20 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बताओगे ये स्क्वायर है या नहीं? बाहर वाला भी स्क्वायर है या नहीं? समझ आया नहीं यार? मेरी बात गौर से सुनना, इसको मैं कहता हूँ कैपिटल एल, इसको भी कहता हूँ कैपिटल एल, इसको कहता हूँ स्मॉल एल, इसको भी कहता हूँ स्मॉल एल। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो इसका एरिया होगा ना ये, इसको मैं स्मॉल ए से शो करूंगा, जो इसका एरिया होगा उसको कैपिटल ए से शो करूंगा, पूरा एरिया जो है टोटल बड़ी का। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनना, पहले मैं कैपिटल ए निकाल रहा हूँ, किसके बराबर होगा? एल मल्टीप्लाई एल के। इस पूरी शेप का एरिया निकाल रहा हूँ, कौन सा? ये वाला सारा, ये टोटल सब। अब बात समझ आई नहीं आई? तो मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 20, ऐसा ही है, ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था टोटल। अब देखे 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 2 to the 4 और 2 0 7 डाल दो, 7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैपिटल ए आ गया। अब हम स्मॉल ए निकालते हैं, क्या आ जाएगा? स्मॉल एल मल्टीप्लाई स्मॉल एल, 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर, अब 11 11 था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे किसी को मसला हो? अब ये जो बड़ा कैपिटल ए है, स्मॉल ए इसके अंदर मौजूद है या नहीं है? अगर मैं इसको यहां से काट कर इसको इसको बाहर निकाल दूं, मेरी बात समझना आप, ये जो जगह, ये वाली जगह, ये छोटी आपकी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये छोटा स्क्वायर जो है, इसको मैं यहां से काटूं और बाहर निकाल दूं, तो क्या मुझे इस जगह का एरिया मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा ना। हमने करना क्या, कार्ड के बाहर निकालने का मतलब क्या, टोटल कैपिटल ए में से अगर स्मॉल ए माइनस कर दिया जाए, कैपिटल ए में से स्मॉल ए बाहर निकाल दिया जाए, तो ये वाला कलर्ड रीजन जो है इसका एरिया आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो आ जाएगा। ये कितना था? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दूसरा स्मॉल ए कितना था? माइनस डाला ना बीच में मैंने, ये कैपिटल ए की वैल्यू डाली, बीच में माइनस डाला, अब स्मॉल ए की वैल्यू डालेंगे, वो कितनी है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 400 में से 121 निकालो, अब जीरो में से तो 1 नहीं जा सकता, यहां से 1 बारो करेंगे कितना आप पीछे आ जाएगा? 3। ये 10 हो के एक फिर लेंगे ना, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 निकालो यहां से कितना आ गया? 9 में से 2 7 3 में से 1 2। तो बेटा ये इस कलर्ड पोर्शन का एरिया 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes. इसको लिखता हूँ कलर्ड, COLOURED कलर्ड एरिया, ठीक है, ये यहाँ डाल देना। तो ये मेथडोलॉजी थी इस सवाल को, सब पहले टोटल निकाल लो, बड़ा बड़े स्क्वायर का टोटल एरिया निकाल के ना, उसमें ये छोटा डब्बा ना अंदर स्क्वायर फॉर्म का, इसका एरिया माइनस कर दो,
तो आपको सिर्फ किसका मिल जाएगा? जैसे देखो ना, आपने पूरी दीवार में से खिड़की बाहर निकाल दी, ऐसा ही है ना, तो खिड़की का एरिया पता होगा तो खिड़की को बाहर निकालोगे ना कि नहीं? सो देयरफॉर अब हम आगे चलते हैं, अगर समझ आ गया आपको। जो फार्मूला स्क्वायर के एरिए का था बिल्कुल वैसा ही फार्मूला किसका है? रेक्टेंगल के एरिए का। और ये एरिया मैंने पहले बताया, ये वो स्पेस है जो रेक्टेंगल कवर करेगी, कितनी डायमेंशंस में? इन टू डी, सुन रहे हो? ये स्पेस है जो जो टू डी में लेंथ और विड्थ में दो रुखों में एक रेक्टेंगल क्या करेगी? कवर करेगी, दैट इज इट्स एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया जो है हमने निकालना, गौर से सुने, रेक्टेंगल नजर आ रही है सबको? ये बन गई, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। बेटा दो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई साइड्स है, चाहे इसको इससे कर लो या इसको इससे भी कर सकते हो, ठीक है? दो कंसेक्यूटिव साइड्स को आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाला सारा एरिया आपको पता चल जाएगा, दिस विल बी कैपिटल ए। तो किसके बराबर आएगा? एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? बस जी, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते जाना, एरिया हमारे पास आता जाएगा। द प्ले ग्राउंड ऑफ माई स्कूल हैज ए लेंथ ऑफ 7.5 मीटर एंड द विड्थ इज 4 मीटर, ऐसा ही है? हाउ कैन वी फाइंड इट्स एरिया, हम उसका एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं? लेंथ दे दी बेटा आपको, प्ले ग्राउंड का मतलब पता है, माई का मतलब पता है, स्कूल का मतलब पता है, लेंथ का मतलब पता है, विड्थ का मतलब पता है, तो विषय क्या रह गया? सिर्फ एरिया तो फाइंड करना। चले आगे भाई जी, ये हमारा प्ले ग्राउंड, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। आप जरा चुप करके मुझे लिखो लेंथ क्या है, चुप करके नहीं बल्कि तहम्मुल से लिखो, मुझे चुप करके कैसे लिखोगे? 7.5 मीटर क्या है, लेंथ है विड्थ है? 7.5 मीटर। और विड्थ क्या है? 4 मीटर। क्लियर हो गया? इधर भी मीटर, इधर भी मीटर। बेटा सॉल्यूशन डाल रहा हूं, एरिया फाइंड करना है। अब हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है? पेरीमीटर नहीं कह रहा, एरिया कह रहा हूं। लेंथ कितनी है? 7.5। विड्थ कितनी है? 4। 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 दैट 20, 0 लगाया 2 कैरी किया, 4 7 दैट 20, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 30। एक के बाद पॉइंट लगा दिया और साथ क्या आ जाएगा? इधर भी मीटर था और इधर भी मीटर था, मीटर मीटर मल्टीप्लाई दो दफा, आंसर क्या आ जाएगा? मीटर की पावर 2 मीटर स्क्वायर। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये आपका आंसर आ गया जी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद इट्स विड्थ। इफ वी डिनोट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बाय कैपिटल एल एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बाय कैपिटल डब्ल्यू, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेंथ ये है, विड्थ ये है, डाला आंसर निकाल लिया। प्रॉब्लम किसी को? भाई बोलो तो सही। तो ये की फैक्ट आपको बता रहे हैं, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। ये समझ आ गया सबको? अब आज ट्राई योर सेल्फ में, मैयर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम। कर लोगे? क्लासरूम की लेंथ भी निकालो, लेंथ और विड्थ निकालने के बाद आपने क्या करना है? सुन रहे हो? ये बड़ा मजे का सवाल है। देखो मेरी बात सुनो, जब कोई आपके पास टाइलें लगाने आएगा ना फर्श पे, तो आपसे पूछेगा आपके रूम का एरिया क्या, वो लेंथ कैलकुलेट करेगा, विड्थ कैलकुलेट करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कहेगा आपके पास इतनी टाइल्स लगेंगी। एरिया देखो, टाइल क्या होता है, उसका भी तो एक एरिया होता है ना। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो आपको बच्चा मीटर स्क्वायर के या फुट स्क्वायर के हिसाब से आपको बताते हैं कि ये खर्चा है, ठीक है? सुन रहे हो? तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग योर क्लासरूम विद द रेट ऑफ टाइलिंग इज 455 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो लेंथ किसमें निकालनी है? मीटर में। विड्थ किसमें निकालनी है? मीटर में भाई, सेंटीमीटर निकालनी। अब मेरी बात और सुनो, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे रूम की जो लेंथ है वो यही है, सुन रहे हो? Yes. और विड्थ भी यही है। तो मैं टाइलिंग की कॉस्ट निकाल दूं आप सबको? yes. तो ये लो जी, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, टाइलें लगाने की जो कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी?
बराबर आ जाएगी। सुन रहे हो सब? मेरे साथ हो ना? एरिया को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ? रेट के साथ। एरिया कितना आया जी? 30। 7 मीटर स्क्वायर भी है। मल्टीप्लाई रुपीस 455 रुपीस 455 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर काट गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 10 5 लगाया, 1 कैरी किया। 3 5 15 प्लस 1 16 हुआ, फिर 1 कैरी किया। 3 4 12 प्लस 1 13 हुआ, और ये 0 भी साल लगा दो। यहाँ रुपीज लिख दो, इतने रुपीज लगेंगे टाइलिंग के लिए इस रूम, ये जो रूम है यहाँ टाइलें लगाने के लिए इतने रुपीज लगेंगे। टाइलें वो लगा देगा लेकिन रुपीज इतने, क्योंकि टाइलें भी किसको कवर करेंगे? एरिया को कवर करेंगे ना। सो देयरफॉर यहाँ पे रेट आपको मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिलेगा। आगे चलें। आइंदा टाइलें अगर कहीं लगवानी पड़ जाए घर में तो अबू को बताना, मुझे कैलकुलेट करना आता है कितना खर्चा आएगा। फेंस लगानी हो, दीवार लगानी हो तो आप बता सकते हो, मुझे पता है ये चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं। समझ, आम बच्चों को पता, अब आप खास बच्चे हो। पढ़ते बेटा सारे ही हैं, पढ़ते सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यूज कोई नहीं करता। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा कोई बच्चा इसको यूज नहीं करता। वो किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ इसलिए कि पेपर पास करना। आपने सिर्फ पेपर पास नहीं करना, आपने बेटा लाइफ जीनी है इससे। इन चीजों को समझो, कहां पे ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। आगे चलें। एनी प्रॉब्लम? नाइन्थ क्लास के बच्चों का की जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट न्यूमेरिकल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये चीजें आप वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको वहां पे एरिया का फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर आप क्या करोगे नाइन्थ क्लास में जाकर? इसलिए यहां पर सीख लो। नाउ ए रेक्टेंगुलर हॉस्पिटल हैज ए पेरीमीटर। अब इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सकते हैं। कहता है एक रेक्टेंगुलर हॉस्पिटल हैज ए पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है इक्वल्स टू, ये पेरीमीटर आपको दे दिया किसके बराबर है? 294 मीटर। इफ इट्स लेंथ इज, फाइंड इट्स एरिया। अब बात गौर से सुनते जाना, आपको सिर्फ लेंथ दी है, पेरीमीटर दिया है, विड्थ दिया उसने? नहीं दी ना विड्थ। विड्थ आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपने सोचना कैसे, और फिर एरिया भी निकालना है। एरिया में भी विड्थ यूज होती है, तो अब हमारे पास विड्थ तो नहीं है, तो विड्थ कैसे निकालेंगे देखते हैं। गौर से सुनना मेरी बात को। सॉल्यूशन दिया क्या आपको? पहले दिया पेरीमीटर, सिंबल्स का पता ना, कैपिटल पी कितना दे दिया? 294 मीटर। कैपिटल एल कितनी दे दी है? 85 मीटर। क्लियर हो गया? हमसे पूछा गया है एरिया, लेकिन हमें विड्थ भी पता नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे? बातों को गौर से सुनते जाना है। विड्थ लेंथ ये हमें नहीं पता, ये हमें गिवन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ विड्थ कैसे निकालेंगे? लिखेंगे, तो काम नहीं ना चलेगा। देखो एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, विड्थ तो है नहीं, तो क्या करेंगे? अब बात गौर से सुनना, सुनना बेटा, पेरीमीटर का फार्मूला बताओ। पेरीमीटर बराबर होता है लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी दफा ऐड हो रही है? लेंथ कितनी दफा ऐड हो रही है? 12 आ जाएगा। विड्थ कितनी दफा ऐड हो रही है? कोफिशिएंट आ रहा हूं साथ, मैंने कोफिशिएंट के बारे में भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब बात और से सुन लो, कैपिटल पी की वैल्यू हमें पता है, एल की भी पता है, तो डब्ल्यू की फाइंड हो जाएगी। अब पी की वैल्यू क्या थी? और से सुनो, सुन रहे हो? फार्मूला डाल लो, पेरीमीटर पता है और लेंथ पता है, तो विड्थ तो निकाल ही लेंगे अब हम लोग। समझ आ रहा है ना? गौर से सुनो, तो हमारे पास 294 यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? और 2 लेके मल्टीप्लाई 85, दोनों का मतलब प्लस 2 मल्टीप्लाई डब्ल्यू। आप पहले इसको 85 से मल्टीप्लाई कर लें, 294। गौर से सुनना, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, इक्वल भी ऐसे नीचे आ जाएगा। 2 5 10 होता है ना,
टू फाइव द 10 होता है ना, 1 हमने कैरी कर लिया, और 2 8 द 16, 16 प्लस 1 17, 170 आ गया, प्लस 2 टाइम्स विड्थ। अब देखो ये 170 ऐड हो रहा है किसमें, गौर से सुनना, 200, ये तराजू वाला हिसाब है, इधर से भी 170 निकाल दो, सुन रहे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2W प्लस 170, ऐसे भी, ये भी प्लस है ना, ये भी प्लस था, अब ये इधर आ गया तो प्लस हम नहीं डाल रहे, इधर से भी 170 माइनस कर दो, ये कट जाएगा इससे, और इधर से देखो 294 माइनस 170, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 124, और ये कट गया, 2W आपके पास आ गया। अब हमें तो W चाहिए ना, 2W तो क्या करेंगे, 2 को यहाँ से हटाना है, इधर भी 2 से डिवाइड करो, इधर भी 2 से डिवाइड, समझ आया, यूनिटरी मेथड मैंने बार बार आपको बताया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब तो गौर से सुनो, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 6 द 12 और 2 2 द 4, तो हमारे पास जो W आ गया वो कितना आ गया, कैपिटल W कितना आ गया, 62, और डिनोमिनेटर वाला हम लिखते नहीं है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो ये 62 क्या आ गया हमारे पास मीटर, ये विड्थ आ गई है। अब लेंथ हमारे पास पहले से थी, विड्थ भी हमारे पास आ गई है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहां मैं लेकर आऊंगा, नाउ एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, लेंथ कितनी थी, विड्थ कितनी थी, 62, ऐसा ही नहीं आई आपके सामने, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 85 मल्टीप्लाई 62 क्या आएगा, 25 द 10 0 लगाया 1 कैरी किया, 28 द 16 प्लस 1 17, 65 द 30 0 लगाया 3 कैरी किया, और 68 द 48 प्लस 3 50, 48 प्लस 3 51, 0 7 2 5 5,270 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर में, क्लियर हो गया, इतनी सी बात थी, बेटा एक बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सबको, कि हम पता क्या करते हैं, कैलकुलेशन वर्क में यूनिट्स नहीं यूज करते, अगर आप लिख भी देते हैं तो उससे कोई इशू होता नहीं है, थोड़ा सा इसमें ना वो फिर हर्डल होती है यार, मीटर मीटर को भी संभालते रहो साथ, तो हम पहले नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, देन आखिर पे हम यूनिट डाल देते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, ये सबको नजर आ रहा 62 आया था आंसर, अब आप सोच रहे होंगे ये 2 यहाँ पे था उधर जाकर डिवाइड कैसे होगा, तो असल में इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, थ्योरी ऑफ बैलेंस के बताइए, 2 2 से कट जाएगा और इसी वजह से ये 2 अब इसको डिवाइड करेगा। सो विड्थ हमारे पास आ गई है जी, अब कह रहा है एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो कितना आ गया, यही आया। अब लास्ट हमारे पास जो ट्राई योर सेल्फ है उसको देखते हैं, सुन रहे हो ना, गौर से सुनना मेरी बात को, कहा क्या गया आपसे, ड्रॉ टू रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स आपने ड्रॉ करनी है विद डिफरेंट एरियाज, उनका एरिया क्या हो, मुख्तलिफ हो, बट सेम पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर क्या हो, आप बताओ ये कैसे होगा, अब बताओ ये कैसे होगा, उनका पेरीमीटर सेम हो, एरिया डिफरेंट हो, गौर से सुनो बेटा, कौन सा मुश्किल काम है, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है ना, वो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है ना, अपनी मर्जी का कोई नंबर बता दो मुझे, लेंथ कितनी रखूं, लेंथ कितनी रखूं बताओ, 7, उसके अलावा मैं 8 रखता हूं, सुन रहे हो, और विड्थ हम रख देते हैं 4 मीटर्स, क्या आएगा पेरीमीटर इसका, 32, कितना, पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, अब 8 प्लस 4 करो और 2 से मल्टीप्लाई, 8 और 4 12 ना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर 24 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 मल्टीप्लाई 12 आंसर इज 24 मीटर्स, पेरीमीटर आ गया।
एरिया क्या होगा इसका? 8 मल्टीप्लाई 4 के बराबर 32। समझ आया या नहीं आया? अगर तो समझ आया है तो फिर हम चलते हैं आगे, अगर समझ नहीं आया तो फिर हम आगे नहीं चलेंगे। अच्छा अब क्या करेंगे मुझे बता जरा जल्दी से। गौर से सुनना, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब बताएं बेटा आप, देखो इसकी लेंथ कितनी रखी थी? 8 थी ना। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? यहां यहां से 2 माइनस करो, यहां से 2 माइनस करो, इसमें 2 ऐड कर दो। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो ये 2 मीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? अब आप समझ आइए। अब आप कैलकुलेट करो पेरीमीटर, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। मेरी बात समझ आ रही है ना? 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है? 10। विड्थ कितनी है? 2 टाइम्स 12। आंसर कितना आ जाएगा? 24 मीटर ही है। पेरीमीटर वही है, एरिया निकालो। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ कितनी है? विड्थ कितनी है? कितना आ गया? 20 मीटर इसको आया। अब आप चेक करें तो, या मैं मीटर स्क्वायर नहीं डाला था तो आप बोले भी नहीं। देखो भाई बात सुनो, ये ऐसी दो रेक्टेंगल्स हैं जिनके पेरीमीटर सेम आ रहे हैं 24 24, लेकिन इनके एरिया क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। समझ आया? इन्होंने हमसे ये पूछा था कि 2 रेक्टेंगल्स विद डिफरेंट एरिया बट सेम पेरीमीटर, हमने निकाल दिया। बेटा मैंने आपको एक बड़ा अच्छा उसूल बताया, गौर से सुने। इधर से कुछ माइनस कर दें और वो इसमें डाल दें, पैरीमीटर वही रहेगा, एरिया चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमें एक और कर लेते हैं ना, कौन सा हमारा कोई इतना इस पे टाइम लगेगा, विड्थ दे दी लेंथ दे दी, अपनी मर्जी के कोई और नंबर लिखवा दो। एक मिनट आप लिखवाओ। हाँ 7 5 ठीक हो गया, मसला तो नहीं है किसी को? अच्छा 7 प्लस 5 कितना था? 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा? 24। वही है। अब मैं एक और बना रहा हूँ, गौर से सुनना। L और W, इसको कितना करोगी बताओ जल्दी से? 5। मैं चलो इसको 4 कर देता हूँ, एक कम कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर्स। इधर भी मीटर्स डाल देना। 8 प्लस 4 कितना हुआ? 12। 2 से मल्टीप्लाई करो, पेरीमीटर 24 आएगा नहीं आएगा? पैरामीटर 24 आएगा नहीं आएगा? आएगा। पैरामीटर सेम आ रहा, इधर से कुछ काम कर दो इसमें, इसमें से कुछ काम कर दो, इसमें ऐड कर दो। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा ना? अब मेरी बात और से सुनना। अब आप इसका एरिया निकालें, 7 5 35, ये 35 मीटर स्क्वायर आ रहा, और ये कितना आ रहा है? 32 मीटर स्क्वायर। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछो। पक्का? Yes. सबको क्रिस्टल क्लियर है? Yes. अब इसने दूसरा काम भी आपको दिया है। यहाँ साइडों में से करना था, बेटे सुन रहे हो, साइडों में से एक में काम करना, दूसरे में ऐड करना, पैरामीटर सेम रहेगा। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पे फैक्टर्स यूज हो गए दूसरे प्रॉब्लम में। कहता है ड्रॉ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करनी है और एक विद सेम एरिया, दोनों का एरिया क्या हो? सेम हो एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। ये मजेदार सवाल है, सुन रहे हो? मैं यहां पे भी 6 कहता हूं, यहां पे भी 6 कहता हूं, 6 6 द मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया, स्क्वायर हमने बना दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? बेटा इससे हमने एक रेक्टेंगल बनानी है, इसी से, इसी नंबर 36 से, क्योंकि उसका एरिया भी कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? पैरामीटर चाहे डिफरेंट हो जाए, पैरामीटर चाहे। बेटा मैंने सेकंड चैप्टर में आप सबको एक नंबर के फैक्टर्स निकालने सिखाए थे, किसी एक नंबर के
फैक्टर्स निकालने सिखाए थे। नेचुरल नंबर्स किस किस को याद है? सबको याद है ना, 1 2 3 4। मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं। फैक्टर निकालने का तरीका सीख लो दोबारा से। 1 लिखा, 1 को किस से मल्टीप्लाई करो, 36 आ जाए, 36 से। मैं यहां पे 2 लिख रहा हूं, 36 को अंदर लिखो और 2 पे डिवाइड करो, आंसर कितना आता है? 2 1 2 16, 2 8 16। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। समझ आया? Yes. 3 लिखो, क्या 3 पे जाएगा 36? किस पे? 12 पे। क्या 4 पे जाएगा? जाएगा। 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा? जाएगा। इससे बन गया स्क्वायर। ये मैं 2 साइड्स की लेंथ आपको बता रहा हूं। आप एक रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, इसमें दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है। ये बता रहा है कि एक स्क्वायर भी बन सकता है जिसका एरिया 36 होगा। 6 + 6 नहीं, 6 × 4 कितना आएगा? 24। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब रेक्टेंगल्स का निकालो, 36 + 1 37, × 2 करो, आंसर कितना आ जाएगा? बहुत बड़ा पेरीमीटर है इसका, इसके मुकाबले में। सो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी लेंथ क्या है? 9 मीटर है और विड्थ क्या है? 4 मीटर। इसका एरिया कितना आएगा? लेकिन इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 4 + 9 = 13। 13 × 2 कितना आ गया? 26। इसका पेरीमीटर 26 होगा मीटर्स में। क्या इसके बराबर है? क्या इसका पेरीमीटर क्या होगा? 6 × 4 = 24 मीटर। समझ आया नहीं यार? तो इससे जो एरिया गिवन है ना बेटा, अब इसके सारे फैक्टर्स लिखे, सारे फैक्टर्स, मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए। आपको पता, आपसे 36 के फैक्टर्स लिखो, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं फैक्टर्स ऑफ 36। तो क्या आएंगे? यहां से शुरू करो, 1 से यू बनाओ, यू नीचे आओ पहले, फिर यहां से सीधा ऊपर जाओ, यू बनेगा यू, ठीक है? यू से उस्मान होता है। आगे चलते हैं। सो 1 2 3 4 6, आगे फिर 6 आ गया ना, तो 6 हम नहीं लिखेंगे, फिर 9, फिर बोलो भाई 12, फिर 18 और डायरेक्ट 36 डाउन। ये फैक्टर्स हैं किसके? 36 के। और हमने क्या किया? हमने एक स्क्वायर लिखा, और सुन रहे हो भाई, हमने एक स्क्वायर लिखा और फिर क्या किया? स्क्वायर बनाया ना एक, और उसी स्क्वायर के जो उसका एरिया था उसके फैक्टर्स लिखे, फैक्टर लिखे यहाँ पे नहीं लिखे। अब उनकी मदद से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। बड़ा आसान तरीका कार है, अगर आपको समझ आ गया तो। एक और बना दूं? चलो एक और स्क्वायर बना के दे रहा हूं, सुन रहे हो ना? पक्का सोच लो? सोच लो, पक्का सोच लिया? अच्छा मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो। स्क्वायर 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 16 आता, नहीं आता? बोलते ही नहीं। तो भाई मैं यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसकी लेंथ भी 4 है, इसकी भी 4 है, आगे ये 16 खुद ही आ जाएगा। यार 2 2 कर लेना, 3 3 कर लेना, अभी भी बात समझ नहीं आ रही। अब 16 के फैक्टर्स बनाओ, 1 × 16 आएगा, 2 × 8 आएगा, ठीक है? और 3 पे तो नहीं जाता ना, 1 2 3 3 के बाद क्या आता है? 4 × 4, ये आपका स्क्वायर है, इसको तो छेड़ना ही नहीं ना। ये बना हुआ, ठीक हो गया? अब ये लेंथ ले लो, ये विड्थ ले लो, ये लेंथ ले लो, ये विड्थ। अभी भी 2 रेक्टेंगल ऐसी बना सकते हो जिनका एरिया इसके बराबर आएगा, लेकिन पेरीमीटर इसके बराबर नहीं आएगा। सो बाकी अब आपको ट्राई कीजिएगा।